सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम देवान आचार्य है, देवान ना करके आप लोग सब लोग प्यार से बुलाते हैं। और मैं अपने टीम की तरफ से और खुद से तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोग हमारे इस इवेंट के लिए आए। और इस इवेंट का जो हमने एक इनिशिएटिव जो लिया है लोगों को राशन बांटने का, ये मेरी और मेरी पूरी टीम की मेहनत है, जिन्होंने सब लोग ने मिलके ये एक प्रस्ताव रखा था कि अन्ना अपने को जितने भी गरीब लोगों है उनको राशन की बहुत किल्लत है। अभी कोविड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सेकेंड वेव भी आ गया है और सब लोग एकदम सबके खाने जो रोज़गार नहीं है, खाने के वांदे हैं सब लोगों के। तो हमारी टीम का ऐसा इनिशिएटिव था कि जितने और हमारी टीम के पास बहुत सारे लोग ज़्यादा बोल रहे थे कि राशन का कुछ सुविधा करिए, काम धंधा काम नहीं है। तो मेरे पूरी टीम के एक इनिशिएटिव निकाली कि हम लोग राशन बांटेंगे। तो वैसा एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ हम आज आप लोगों के सामने आए हैं और आज हम लोग इधर मैक्सिमम लोगों को राशन बांटने वाले हैं जिन्होंने हमारे पास रिक्वायरमेंट दी है। उन्होंने अपना आधार कार्ड और अपना नंबर और अपना पूरा हाल हमको सुनाया। वैसा हमारी पूरी टीम ने स्क्रूटनी करके जिस जो ज़रूरतमंद है, एक्चुअल ज़रूरतमंद है, उनको आज हम राशन बांटेंगे। और आज जो है कितने लोगों को आप लोगों ने यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और आने वाले समय में कितने लोगों को? हम लोग ने अभी हम लोग जो हमारा प्लान है, हम लोग 300-350 लोगों को राशन बांटने का सोच रहे हैं। लास्ट टाइम हमने दिसंबर में भी ऐसा एक मेडिकल ड्राइव रखा था पवार साहब के बर्थडे के निमित्त में। 12 दिसंबर और 13 दिसंबर दोनों को हम लोग ने, क्योंकि कोविड उस टाइम पे इतना ज़्यादा था कि हमने मेडिकल टीम की पूरी एक टीम को उधर बुलाया था जहाँ पर 11 डॉक्टर्स थे और मोर देन 400 फैमिलीज़ को हमने मेडिसिन सप्लाई करी थी। और उसके वजह से हमारे एरिया में थोड़ा सा कोविड का जो ग्रोथ था वो कम हो गया है। और सबकी इम्यूनिटीज़ के लिए हमने बहुत सारे मल्टीविटामिन्स दिए थे। आज का कंडीशन ऐसा है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रोज का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। 500 रुपये से उनका जो घर चलता था वो भी नहीं हो पाया। तो हमने सोचा कि इस टाइम पे हम अनाज बांटने का एक पुण्य काम करेंगे, तो ये हमने एक प्रस्ताव किया है। और आज जो है आपकी वाइफ रश्मि आचार्य जी का भी जन्मदिन है, तो जी जी जी, तो वही खास टाइम था जब आपने डिसाइड किया कि आज जो राशन के डिस्ट्रीब्यूट करना। ये तो एक निमित्त ही हो गया। और मैं मानता हूँ कि आज के ऐसे पैंडमिक के टाइम पे अपन लोग बर्थडे सेलिब्रेट करना, वो जो बर्थडे सेलिब्रेशन में जितना जो पैसे लगेंगे, जो भी अमाउंट लगते हैं, तो मैंने सोचा कि आज राशन बांट के मेरी वाइफ को इससे बड़ा एक गिफ्ट क्या दूँ। तो आज हम वो भी एक निमित्त ऐसा आ गया कि आज 6 दिसंबर है, मेरी वाइफ रश्मि आचार्य का जन्मदिन भी है जो कि एक प्रमुख लेखिका है, तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है। मैं चित्रपट का मुंबई का उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, तो फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा मेरा लगाव रहा है। और जैसे कि हमारी एग्नेस मैडम बॉलीवुड कोरियोग्राफर है, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के डांसर्स है, स्पॉट बॉयज़ है, जिनके पास बिल्कुल भी खाना नहीं है, हम लोग ने आज उनको भी राशन बांटने का, उनका भी बहुत सारा ये आया था, तो हम उनको भी आज राशन बांट रहे हैं। बहुत सारे कोरियोग्राफर्स है, डांसर्स है, वर्कर्स है जो सेट पे काम करते हैं, उनको सबको हम आज राशन बांट रहे हैं। थोड़ी सी हमारी मेहनत से हम उनको थोड़ा सा राहत दें, ऐसा हमने एक सोच रखा है। और हम आगे भी ये चीज़ कोशिश करते रहेंगे कि जैसे जैसे हमारे पास सप्लाई जाते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग सबको बांटेंगे। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे देवांगना को? मैं पहले सबका नमस्कार कर रही हूँ। मैं कोरियोग्राफर हूँ इंडस्ट्री की, और सेकंड मैं देवाना से मिली हूँ। और देवाना इतने अच्छे हैं, दयालु है, गरीबों का अन्नदाता है। तो आज हम लोग ने ये सारा पूरा टीम सोचा था कि जो हमारे जो वर्कर है जिनको 500 रुपीज़ भी नहीं है कि जो राशन ले पाए, तो कोई ऐसा नहीं कर रहे हम लोग एक हेल्प कर रहे ताकि उन तक हम पहुंच जाए। तो आज अन्ना ने ये सारा चीज़ किया है हम सबको मिलके कि हम जितना हो सके उतना हम राशन बांटे सबको, और आगे भी हम ये काम करते रहेंगे। ये मेरी शुभकामना सर। सबसे पहले मैं मनोज यादव, मैं देवन आचार्य के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ इनके साथ में। हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था कि इस कोविड के समय में हम लोगों की टीम को मिलकर कुछ करना चाहिए। ये प्रस्ताव हम लोगों ने देवन आचार्य के सामने तकरीबन 1 महीना पहले रखा हुआ था, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इस कोविड के वक्त में लोगों को राशन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से हम लोग राशन बांटेंगे। तो आज का समय उन्होंने चूज़ किया था अपने हिसाब से, और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके सारा जुगाड़ जो जमाया हुआ है वो देवन आचार्य जी ने
सारा ये तैयारी किया हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ सपोर्ट किया है, इसके लिए हम तहे दिल से देवन आचार्य के आभारी हैं। तो मेरा नमस्कार, आदाब। सबसे पहले रश्मि भाभी का जो बर्थडे है उन्हें मैं बर्थडे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देवान्ना का मुझे फ़ोन आता है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं आपके कांटेक्ट में, आप उसके यहाँ पे सर्वे कीजिए अपनी टीम को लेके, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है राशन वगैरह की तो हम उसको राशन प्रोवाइड कराएंगे। देवा भाई ने जब पहले दिन जब लॉकडाउन यहाँ पे लगा था, जब नाइट कर्फ्यू वगैरह सब चालू हुआ था, जब भी उन्होंने ये निर्णय लिया था कि राशन वगैरह का करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने अच्छे इस तरीके से किया हुआ है, लोगों को उस तरीके से राशन बांटा है कि उसको उतनी ज़रूरतें हो, तेल, शक्कर, चावल, आटा, सब चीज़। और बस यही बोल के ख़त्म करना चाहिए। कितनी ज़रूरत थी इस समय? मैं तो पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ना करती, इतने गरीबों को दान किया है लोगों ने, अल्लाह उनका सिला देगा उनको। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, आज रिक्शा ड्राइवर की वो हालत है, खाने के अंधे पाए, लेकिन किसी को बोलते नहीं कोई। इन्होंने खुद फ़ोन करके मेरे को बोला कि तुम्हारे जितने भी मेजोरिटी के लोग हैं उनको लेके आओ, इनके पास खाने को नहीं है, तो मैंने लाके इनके पास पहुँचाया। बाकी सब शुक्रिया सब।